नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। तो आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई। तो बनाना शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने देसी घी, हाफ कप लिया है और माफ करेंगे तो 100 ग्राम है, ये पूरा मेल्टेड नहीं है। और हाफ कप ही मैंने लिया है पीसी हुई चीनी यानी कि शुगर पाउडर, ये भी 100 ग्राम के तकरीबन है। और हम अच्छे से फेंट लेंगे, फ्लफी होने तक फेंटेंगे। घी और शुगर पाउडर को हमने अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल फ्लफी हो गया है। तकरीबन 100 ग्राम आपको लेना है शुगर पाउडर और 100 ग्राम ही आप घी लेंगे। मेजरमेंट बिल्कुल सही रखना है हमें। तो अब हम साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक दूसरा बाउल लेंगे और ये लिया है मैंने 1 कप आटा। गेहूं का आटा लेना है क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। और 2 चम्मच मैंने लिया है सूजी, महीन वाली सूजी है मेरी। अगर आप मोटी सूजी यूज कर रहे हैं तो ग्राइंडर जार में एक बार से पीस लें। और ये लिया है चौथाई कप मैंने लिया है बेसन, हम बेसन का यूज भी करेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच लिया है इलायची पाउडर। और अब हम मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। मिला लिया है हमने सारी सामग्री को अच्छे से। और अब हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए, हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसी तरह से हम मिलाते जाएंगे। और डो तैयार कर लेते हैं। अब हम हाथों का यूज कर लेंगे, अच्छे से हाथों से डो बना लेंगे। सूजी, मैदा और बेसन का डो हमने बनाकर अच्छे से तैयार कर लिया है। ये हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये लिया है मैंने 1 चम्मच, आप कोई सा भी चम्मच ले सकते हैं, माप के लिए इससे बढ़िया सा तैयार होगा। तो ये देखिए 1 चम्मच भरकर हमने ले लिया और इस तरह गोल गोल करके हम तैयार करते हैं अपना नान खटाई। बस हाथों से इस तरह सा हल्का सा दबा देंगे। ये हमारी नान खटाई बनके तैयार हो गई। और इसी तरह से हम सारी नान खटाई पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, सारी नान खटाई हमने बना लिया है और कुछ नान खटाई मैं इस प्लेट में निकाल लिया है मैंने। और मैंने पेपर पे निकाला है, सिल्वर पेपर पे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम ऊपर से लगा देंगे। मैं पिस्ता और बादाम लिया है, आप मनचाहा ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। लगा दिया है मैंने ड्राई फ्रूट भी। तो मैंने कड़ाही में नमक डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, हाई हीट पे रख दिया है मैंने। और ये ट्रे, हम ये प्लेट जो हमारी है, ये हम कड़ाही में ही रखेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास क्योंकि ओवन नहीं है इसीलिए मैं कड़ाही का यूज कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये रख दिया है मैंने, गर्म हो गई है हमारी कड़ाही और इसमें मैंने जो नमक डाला था वो भी गर्म हो गया है। तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और लो फ्लेम पे रख के हम कम से कम, कड़ाही है ओवन में जल्दी पक जाता है लेकिन हम कड़ाही में पका रहे हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो मैं 20 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। तो दोस्तों, 30 मिनट से 35 मिनट तक हो गया है क्योंकि मैंने, और नान खटाई हमारी बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था पर उस समय थोड़ी कसर बाकी थी तो मैंने 15 मिनट और पका लिया है। पूरे 35 मिनट लगे हैं मेरी नान खटाई को बनने में क्योंकि हमने कड़ाही में बनाया है। तो अभी बहुत गर्म है, थोड़ा निकाल लेंगे हम और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों, नान खटाई हमारी बनकर तैयार हो गई है और पहला बैच भी मैंने बना लिया है और ये दूसरा बैच भी मैंने बना लिया है और बहुत आसानी से बन गया है और बहुत टेस्टी बना है। ये देखिए, बिल्कुल अंदर से बाहर तक पूरा
अच्छे से पक गया है और पूरे 35 मिनट लगे हैं। मैंने हाई करके जब हीट किया कढ़ाई में नमक को, उसके बाद मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया था फ्लेम को, इसीलिए 35 मिनट कढ़ाई में बनाने में मुझे लगा है। दोस्तों आप जब घी और शुगर पाउडर को मिल्ट करें तो उसे इतना फेंटे कि वो फ्लफी होकर बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाए, तो हमारी नान खटाई बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। एक मैं तोड़ के दिखा भी दे रही हूँ आपको, ये देखिए अंदर से बाहर तक पूरा पक गया है और बहुत अच्छा बना है। तो एक बार से आप इस तरह से जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, इस नान खटाई के बनाने के तरीके को, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। मेरे बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।